आप सभी का डिजिटल स्काउटिंग में हार्दिक स्वागत है। आज बेडन पोवेल की इतिहास और स्काउटिंग आंदोलन के शुरुआत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्काउटिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। स्काउटिंग गाइडिंग का इतिहास। स्काउट का शाब्दिक अर्थ है गुप्तचर, भेदिया, जासूस। फौज में जो चुस्त, चालाक और साहसी हो रास्ता बनाने, नदी नालों पर पुल बनाने, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करने तथा शत्रु की गतिविधियों का पता अपने अधिकारियों को देने का काम करते हैं, उन्हें स्काउट कहा जाता है। स्काउटिंग आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल थे। लॉर्ड बेडन पावेल ने फौजी स्काउट को बालोपयोगी स्वरूप प्रदान कर उनका चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास करने वाली संस्था बनाया ताकि वे एक सुयोग्य नागरिक बन सके। बीपी का जन्म 22 फरवरी 1857 ही को स्टेनहोल स्ट्रीट, लैंकेस्टर गेट, लंदन में रेवेंट प्राध्यापक हर्बर्ट जॉर्ज बेडन पावेल के घर हुआ। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रेखागणित के प्राध्यापक थे। उनकी माता हेनरीटा ग्रेस स्मिथ ब्रिटिश एडमिरल की पुत्री थी। बीपी की शिक्षा चार्टर हाउस स्कूल में हुई। चार्टर हाउस में वे 1870 में छात्रवृत्ति लेकर प्रविष्टि हुए, जहां उन्हें बेडिंग टॉवल के नाम से जाना जाता था। ये इस स्कूल में प्रसिद्ध फुटबॉल गोलकीपर रहे। 1876 में सेना अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में 700 अभ्यर्थियों में से कैवेलरी में दूसरे और इन्फेंट्री में चौथे स्थान पर उत्तीर्ण हुए। अतः उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त कर 13वीं हुसार्स रेजिमेंट लखनऊ भारत में सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली। सन 1883 में 26 वर्ष की अवस्था में वे कैप्टन हो गए। घुड़सवारी, सुअर का शिकार करना, स्काउटिंग तथा थिएटर में भाग लेना उनके प्रमुख शौक थे। बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा 1899 से 1900 में दक्षिण अफ्रीका की एक घटना से प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में मैफकिंग नाम का एक कस्बा था, जहां 1500 गोरे और 8000 स्थानीय लोग रहते थे। हॉलैंड निवासी डच लोग, जिन्हें बोआर के नाम से पुकारा जाता था, इस कस्बे को अपने अधीन लेना चाहता था। हु होल्ड्स मेफकिंग होल्ड द रेगिंस ऑफ साउथ अफ्रीका की कहावत वहां प्रचलित थी। बोरो की 9000 सेना ने मेफकिंग को घेर लिया। बीपी के पास अंग्रेजी सेना में कुल मिलाकर 1000 सैनिक थे, जिनके पास मात्र 08 बंदूकें और थोड़ा सा डायनामाइट था। अपनी युक्ति से बीपी ने 217 दिन तक बोआरों को कस्बे में घुसने नहीं दिया। 17 मई 1900 को इंग्लैंड से सैनिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात बीपी ने विजय प्राप्त की। इस विजय का पूर्ण श्रेय बीपी को जाता है। इस विजय की एक प्रमुख घटना यह रही थी कि बीपी के स्टाफ ऑफिसर एडवर्ड सिसिल ने मैफकिंग के 9 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को इकट्ठा कर एक कैडेट कॉर्प्स या बाल सेना तैयार की, जिन्हें प्रशिक्षित कर और वर्दी पहनाकर संदेश वाहक, अर्दली, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि कार्यों में लगा दिए तथा उनके स्थान पर लगे सैनिकों को सीमा पर लड़ने के लिए मुक्त कर दिया। गुडइयर नामक सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में इन लड़कों का कार्य अद्वितीय रहा। लॉर्ड सिसिल के इस प्रयोग ने बीपी को प्रभावित किया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से प्रभावित होकर मिस स्मिथ ने बीपी से लड़कों के लिए स्काउटिंग की एक योजना बनाने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप 1907 में इंग्लिश चैनल में पुल हार्बर के निकट ब्राउनसी द्वीप में 29 जुलाई से 9 अगस्त तक समाज के विभिन्न वर्गों के 20 लड़कों का प्रथम स्काउट शिविर स्वयं बीपी ने आयोजित किया। इस प्रयोगात्मक शिविर के अनुभवों को उन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया। इस पुस्तक के 26वें कथानक बीपी द्वारा शिविर तथा कैंप फायर में कही गई बातें तथा कहानियां हैं, जिन्हें छपाक्षिक संस्करणों में जनवरी 1908 से अप्रैल 1908 तक प्रकाशित किया गया। इस तरह स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत हुई।
8 जनवरी 1941 को केन्या में लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष 10 माह 17 दिन का शानदार जीवन जीकर बीपी स्वर्गवासी हुए। माउंट केन्या में उन्हें दफनाया गया। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।